आज हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ इंडियन एजुकेशन की। इंडियन एजुकेशन का वो काला सच जो आपको पता है पर आपको पता होकर भी आपको नहीं पता है। कहने का क्या मतलब है कि आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, आप उसके बारे में सब कुछ पता है आपको उसके बारे में, बट आप उसके लिए अवेयर नहीं हैं। इंडियन एजुकेशन का नाम सुनकर लोगों को लगता है कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है या उससे रिलेटेड एग्जाम्स या एजुकेशन के बारे में आपको सिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। इंडियन एजुकेशन का मतलब होता है जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी हम उससे सीखते हैं, चाहे वो सिनेमा से हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, या सोसाइटी के थ्रू हो, या पेरेंट्स के थ्रू हो, या हम खुद भी कुछ चीज़ें अपने आप से सीख सकते हैं कि आज हमने ये किया उससे हमें क्या सीख मिली। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। बट इसका डार्क रियलिटी क्या है, डार्क रियलिटी यह है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं आपको एक से एक वैल्यूबल जानकारी यहाँ पर मिलेगी, तो बिना स्किप कीजिए इस वीडियो को देखना। स्टार्ट करते हैं। मैं अगर अभी 90% स्टूडेंट से ये पूछूंगा तो 100% से, पर 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमको 12th के बाद क्या करना है या तुम अपने फ्यूचर में करियर क्या देखते हो या आपको क्या बनना है, तो 90% बच्चे ऐसे होंगे जो आपको आंसर देंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे MBA करना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। ये एक कॉमन सा आंसर होता है, 90% स्टूडेंट्स यही आंसर देते हैं। बाकी जो 10% होते हैं वो क्रांतिकारी लोग होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो 90% स्टूडेंट्स का आंसर हमेशा यही सेम होता है। उसके अलावा आपने कभी किसी बच्चे को नहीं सुना होगा कि उसे पायलट बनना है या फिर उसे टी टेस्टर बनना है, चाहे उसे बी कीपर बनना है। तो ऐसी ऐसी जॉब्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड में जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट जो लोग जानते हैं पर भी वो उसे करना नहीं चाहते हैं। तो हर एक बच्चा क्या चाहता है या उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब करना है। तो ऐसा क्यों है, इसके बहुत सारे पहलू हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। पहला पहलू आता है मीडिया एंड सिनेमा। आप आज इंडियन सिनेमा देखते हैं, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हॉलीवुड तो अदर कंट्री का जाता है, बट बॉलीवुड एक स्पेशल नाम लूँगा आपके लिए, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा सिनेमा है जिसका इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे वो धर्मों की तरफ से हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो अदर चीज़ में। आज इंडियन सिनेमा में क्या हो रहा है, सिर्फ क्या दिखाया जा रहा है, लव के बारे में दिखाया जा रहा है, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है, न्यूडिटी, या फिर एक चीज़ तो कॉमन होती है हर एक मूवी में, एक पुलिस वाला रहेगा डिसम, या फिर वो विलन जो हीरो होगा वही विलन होगा। तो ऐसे सिर्फ यही कैरेक्टर्स बॉलीवुड में दिखाए जाते हैं या मूवीज में दिखाए जाते हैं, कोई को इंजीनियर बना दिया जाएगा, किसी को डॉक्टर बना दिया जाएगा, किसी को पुलिस वाला बना दिया जाएगा, किसी को विलन बना दिया जाएगा। बट इससे हटकर बहुत ही कम ऐसी मूवीज हैं जिसमें किसी को अच्छे प्रोफेशन में जाते हुए दिखाया गया। बहुत ही कम लोग दिखाते हैं कि कोई हिस्ट्री रिसर्चर बना है, कोई बहुत ही कम लोग दिखाते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट बना है। तो मूवीज़ में ये सब नहीं दिखाया जाता, जिसके वजह से जो लोग देखते हैं मूवी, यूथ जो मूवी देखता है उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं मिल पाता है। आज हमारे इंडियन सिनेमा में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, लव लव लव। बट इसी के विपरीत अगर हम हॉलीवुड की बात करेंगे तो वहाँ भी लव है, बट वो साइंस भी दिखाते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी दिखाते हैं। बट इंडिया में बहुत ही कम ऐसी मूवी है जिसमें साइंस अपने कल्चर के बारे में बताया गया, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, या फिर साइंस के बारे में बताया गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, लव लव लव। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे इंडियन एजुकेशन की बात हो रही, तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि इंडियन एजुकेशन का मतलब होता है कि सिर्फ आप स्कूल या कॉलेज से नहीं सीखते हैं, आप जो भी देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप जो भी अपने सामने आंखों से देख रहे हैं, उन सभी से आप सीखते हैं। तो उसी को एक एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। तो हम मूवीज़ देखते हैं, आजकल हर कोई मूवीज़ देखता है, 80-90% लोग इंडिया की मूवीज़ देखते हैं, तो उसका माइंड पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। 2013 में मतलब आज से 13-14 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था 3 Idiots। बहुत ही कमाल की मूवी थी, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक है। उसमें एक चीज़ बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बताई गई थी कि अपने पैशन के पीछे भागो, अपने पैशन के पीछे भागो, बट उसको हर कोई ने इंजॉय तो किया। पर आज हम उससे 13-14 साल बाद देखते हैं कोई भी अपने पैशन के पीछे नहीं भाग रहा, अभी हर ही कोई भाग रहा है गवर्नमेंट जॉब के पीछे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे, या फिर एक कंफर्ट जोन के पीछे जिसपे वो सेफ रहे, उसको ज़्यादा हानि ना पहुँचे। तो ये चीज़ गलत है कि इतनी अच्छी मूवी होने के बाद भी या इतनी अच्छी शिक्षा देने के बाद भी लोग उस चीज़ को इंजॉय तो कर रहे हैं बट उसको अपने रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या फिर उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे चिल्ला चिल्ला कहा गया था कि पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, पर उसमें ये पैशन को फॉलो करो किसी को याद नहीं रहा होगा, पर उसमें एक और सीन था
वो हर किसी को याद होगा। जो अब आप बोलोगे कि उसने अच्छी चीज़ बताया तो बुरी चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं, तो हमारा जो माइंड होता है वो नेगेटिविटी को ज़्यादा फोकस करता है, नेगेटिविटी को जल्दी ग्रहण करता है। इसके जैसे हम अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर रह जाती है। तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा कि हमें नेगेटिव से कैसे बचें और पॉजिटिव की तरफ कैसे भागें। तो मीडिया का एक सिनेमास का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो आप यहाँ पे हमें बहुत ही गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। कम कपड़ों में लोग आते हैं, कुछ हमें आतंकवादियों वाले वीडियो दिखाते हैं, कुछ हमें कुछ दिखाते हैं, कभी भी ये साइंस टेक्नोलॉजी या कल्चर की बात नहीं करते हैं। बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ होंगी बिना साइंस की, यहाँ पर मूवीज़ होती हैं सिर्फ, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, लव सब होता है और कुछ ये लोग आपको नहीं बताते, जिसके जैसे जो आज का यूथ है वो गलत डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है। देन सेकेंड नंबर बात करेंगे मीडिया की। मीडिया पहले क्या, पहले की मीडिया और आज की मीडिया में बहुत ही डिफरेंस है। पहले की मीडिया जो देश में चल रहा होता था वो दिखाती थी, सही चीज़ें दिखाती थी, पर आज की मीडिया क्या दिखा रही है? आपको बता दूं कि आज से 2-3 साल पहले एक बुक लिखी थी श्री गीतांजलि ने, गीतांजलि जी ने, जिसका नाम था रेत समाधि। तो वो एक ऐसी इंडियन लैंग्वेज की बुक थी जिसे वर्ल्ड में, वो एक ऐसी इंडियन लैंग्वेज की बुक थी जिसे वर्ल्ड में अवार्ड मिला था, पहली ऐसी इंडियन बुक थी जिसका नाम बुक्स प्राइजेस ऑफ पॉरिडियम के उसमें गया था, तो वो जीती। देन सेकंड नंबर में हम बात करेंगे कि एक मैम थी जिनका नाम था नीना गुप्ता। नीना गुप्ता चौथी ऐसी भारतीय थी जिन्हें रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो रामानुजन अवार्ड मैथमेटिक्सियन उसको मिलता है, जो गणितज्ञ होते हैं उनको मिलता है। तो नीना गुप्ता जी ऐसी चौथी भारतीय थी जिनको वो अवार्ड मिला। एंड एक और सुनक सेन की डॉक्यूमेंट्री, सुनक सेन की डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। बट मीडिया हमें क्या दिखा रही है? मीडिया हमें दिखा रही है कि ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण ने अवार्ड सम्मेलन में लाल कलर की ड्रेस पहनी। देखते हैं कौआ कैसा करता है रैंप वॉक। तो आज मीडिया हटकर सब कुछ अलग दिखा रही है। मीडिया वहां पर दिखा रही है गोपी बहू की रसोड़े में क्या बन रहा है। आपको जो आज अभी मैंने बताया, जो भी ओलंपिक जीत के आता है, कोई भी बाहर से मेडल जीत के आता है या कुछ भी अच्छा काम करता है इंडिया का या किसी भी कंट्री का, तो उसको क्या करते हैं वर्ल्ड वाले, वो मीडिया वाले, कि वो उसे टॉप 10 की लिस्ट में डाल देंगे, टॉप 100 की लिस्ट में डाल देंगे और 10-10 सेकेंड के अंतर में बता देंगे कि आज की ताज़ा खबर, नीना गुप्ता ने जीता रामानुजन गणितज्ञ पुरस्कार, श्री गीतांजलि देवी को मिला बुक अवार्ड। ये सिर्फ इतने शॉर्ट में बता देंगे, बट वो आपको लंबा चौड़ा खींच के बताएंगे कि आज दीपिका पादुकोण ने कौन से कपड़े पहने, रणवीर कपूर ने कौन से कपड़े पहन के फोटो खिंचाई, कौन सा लहंगा पहना, कौन सी साड़ी पहनी। तो ये मीडिया का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है लोगों को। मैंने आज से 2-3 महीने पहले ये सोचकर पूरे इंस्टाग्राम पर मैंने क्या किया था कि मुझे अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, तो मैंने हर एक न्यूज़ चैनल के जो इंस्टाग्राम अकाउंट थे उनको फॉलो कर लिया, चाहे वो ABP न्यूज़ हो, चाहे ऐसी आज तक हो, रिपब्लिक भारत हो, सब में। तो वहाँ पे मैक्सिमम यही दिखा जा रहा है कि आज इस एपिसोड में इन्होंने दाल मखनी खाई, इसने पनीर की सब्जी खाई। सिर्फ यही आज मीडिया और सिनेमा में चल रहा है, जो कि बहुत ही गलत प्रभाव डालता है बच्चों पर। देन सेकेंड नंबर पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डार्क साइड क्या है सेकेंड नंबर का, वो आता है सोसाइटी और पेरेंट्स। यार बहुत सारे लोगों को मेरी बातें गलत भी लग सकती हैं, जब कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहा है तो किसी को ये गलत लगेगी, किसी को सही लगेगी, तो क्षमा चाहता हूँ पहले ही। बट मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अपने बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं। एक तो बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बचपन से दबा के रखना चाहते हैं ताकि वो बिगड़े नहीं। बट एक साइकोलॉजी रिसर्च कहती है या फिर ये फैक्ट है कि बच्चों को जितना मार पीट कर, जितना दबा कर, जितना डरा कर रखा जाता है, वो उतना ही कमज़ोर हो जाते हैं या फिर वो अच्छी चीज़ें सीखने पर फोकस नहीं कर पाते या फिर वो अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो हर एक बच्चा आज पेरेंट्स क्या चाहता है कि उसका उनके बच्चे उनके हिसाब से चलें। वो पहले उन्हें स्ट्रिक्टनेस में रखेंगे, उसे मारेंगे, उसे डांटेंगे, उसे बोलेंगे कि तू अच्छे मार्क्स ला। बट जब उसकी एक ऐसी एज आ जाएगी जब उसे खुद का करियर चूज़ करना होगा, तब पेरेंट्स सीधे बोल देते हैं कि मैंने तो सोच रखा मेरा बेटा UPSC क्लियर करेगा, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करेगा या फिर मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। तो क्या होता है, जो बच्चा पहले से अनकॉन्फिडेंट है या फिर डरा हुआ है, वो क्या करता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल और नीचे गिर जाता है कि मैं पहले से तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और इतनी बड़ी जवाबदारी मेरे ऊपर थोप दी गई, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा एक गलती है कहूँगा मैं, जिसकी वजह से आज यूथ है वो कुछ अलग नहीं सोच पा रहा है।
मैं आपको बता दूं कि आज से 8 साल तक 9 साल हो गए, मतलब 2021 तक, 2013 से 2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 22 करोड़ 7 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा। किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसमें से मात्र 7 लाख लोगों की वैकेंसी थी, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन 7 लाख लोगों की सीट बस थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो सोचिए कितना बड़ा रेशियो हुआ ये। या सीधे मैं आपको बोलूँ कि 300 लोग की रेस हो रही है, उसमें सिर्फ एक बंदा जीतेगा। तो आप क्या ऐसी रेस दौड़ना पसंद करेंगे कि जिसमें 300 लोग दौड़ रहे हैं और मात्र एक बंदे को सिलेक्ट करना है और एक ही बंदा जीतेगा, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ सब भाड़ में जाओ। तो ये चीज़ें आज इंडिया में हो रही हैं। अब गवर्नमेंट भी क्या करेगी? ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं जो आपको सभी देश के सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके या रोजगार दे सके। बट हमारी पेरेंट्स क्या करते हैं या हमारी सोसाइटी करती है कि बच्चों के ऊपर एक थोप देती है, एक ज़बरदस्ती थोप देती है कि तुझे कलेक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे MBA ही करना है या तुझे डॉक्टर ही बनना है। ये पेरेंट्स की बहुत ही बड़ी गलती है। बट एंड पेरेंट्स की एक गलती ये भी है कि वो खुद से कुछ रिसर्च नहीं करते हैं। यार बहुत सारी जॉब होती हैं, अगर आपको जॉब ही कराना है तो या बच्चे की पसंद करवाओ, शायद उसको कुछ और करना होगा। या फिर जॉब भी बहुत सारी तरीकों की होती है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बी कीपर होता है, आइसक्रीम टेस्टर होता है, भाई उसको आइसक्रीम खाने के पैसे मिलेंगे, टी टेस्टर होता है, ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ऑफिशियल जॉब होती हैं जिसमें अच्छा खासा पैसा होता है। एंड एक और चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे आसपास होता है ना, हम उसी के पीछे भागते हैं। जैसे आईआईटी आजकल हर कोई कर रहा है, जिसने मैथ्स लिया वो आईआईटी का सपना देखेगा जरूर, वो जेई का एग्ज़ाम देगा जरूर, वो आईआईटी करेगा ही करेगा, ये कन्फर्म है। बट देश में ऐसी भी जॉब होती हैं जो आईआईटी से बेस्ट होती हैं, आईआईटी से ज़्यादा पैकेज उसमें मिलता है। एक ऐसी पोस्ट है या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको सालाना 20 लाख से ज़्यादा का पैकेज देता है स्टार्टिंग से। उसका नाम मुझे याद नहीं, मैं उसे अभी वीडियो एडिट करते समय इसमें लिख दूंगा स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जिसकी स्टार्टिंग ही सैलरी 20 लाख पर एनम है, पर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, उसको कोई करना ही नहीं चाहता या फिर उसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, अवेयर ही नहीं है। बिकॉज कि हम जो लोग जो अपने सामने देखते हैं हम वही करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि बहुत पहले, हजारों साल पहले क्या होता था कि आदि मानव रहते थे। तो एक आदि मानव ने क्या किया कि अपने घर के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा दिए या फिर बाउंड्री बना दी। क्यों बना दी? ताकि शेर उसके घर में ना घुस पाए और वो शेर से बच जाए या शेर उसे ना खाए। तो उस चीज़ को देखकर सामने वाले घर के आदि मानव ने भी क्या किया, सेम प्रोसेस कर दी, उसने भी अपने घर के आगे क्या कर दी, दीवार उठा दी। क्या देखे कि उसने किया है तो उसको भी शेर से बच जाएगा, मैं भी शेर से बच जाऊंगा। ये पुराना जमाना था। बट आज का जमाना क्या है कि आज बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, बहुत सारे तरीके हैं शेर से बचने के। तो आप एक ही चीज़ के उस भरोसे नहीं बैठ सकते। तो हर कोई आज IIT करना चाहता है, UPSC करना चाहता है, यार इससे भी हटकर चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज़ें समझना होगा कि बच्चों पर अपनी मर्जी ना थोपें एंड कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस कराएं या ऐसी चीज़ें उन्हें सीखने पर मजबूर करें। मजबूर करोगे आप उसे सीखने का, वो सीखेगा, या फिर वो खुद से कुछ करना चाहता है तो आप उसे वो करने की इजाज़त दें। तो फर्स्ट चीज़ मैंने बताया मीडिया और सोशल मीडिया, मीडिया एंड सिनेमास का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। पेरेंट्स की जो मार होती है, जो डांट होती है, बच्चों को एक अनकंफर्टेबल फील कराती है और अनकॉन्फिडेंट कर देती है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि बच्चा जिद कर भी ले अपने पेरेंट्स से कि मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है, मुझे करने दो, बट पेरेंट्स क्या करते हैं? फिर पेरेंट्स आपको सीधे बोल देते हैं कि ठीक है, तो जो करना है कर, मुझसे मत बोलिए बाद में कुछ होगा तो, नौकरी लगी तो मुझसे मत बोलना, कुछ होगा तो मुझसे मत बोलना। तो ये सुनकर क्या होता है, बच्चा और अनकॉन्फिडेंट हो जाता है या फिर डर जाता है कि अगर मेरा लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो, या फिर मैं जो कर रहा हूँ उसमें तो सफल नहीं हो पाया तो। पेरेंट्स ने सीधे मुझे बोल दिया कि तू जा, तेरी काम जाने, अब हमारे से तेरे को कोई मतलब नहीं, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे इसमें मैटर में तेरी। तो बच्चा इस चीज़ में डर जाता है कि पेरेंट्स ने तो मना कर दिया, और उससे फिर पीछे हट जाता है और पेरेंट्स की बात पर आ जाता है। देखो पेरेंट्स गलत नहीं होते, पेरेंट्स आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं या फिर पेरेंट्स आपको गरीब नहीं देख सकते, जो भी कहो आप। बट पेरेंट्स को ये चीज़ भी समझना होगा कि आज नौकरियां बहुत कम है देश में और हमें कुछ करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। इसलिए पेरेंट्स को आपको खुद समझाना है, या फिर पेरेंट्स ना समझे तो आपको डरना नहीं है, आपको खुद को प्रूफ करना है, कॉन्फिडेंट बनना है। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो किसी चीज़ से, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, अच्छी अच्छी मूवीज हैं, उन्हें आप देख सकते हो। एंड एक और चीज़ आती है नॉवेल्स,
बहुत सारे पेरेंट्स को क्या लगता है कि नॉवल्स में सिर्फ कहानी होते हैं, किस्से होते हैं जो बच्चों का टाइम पास करने के लिए यूज़ होती हैं, बट ऐसा नहीं है। आज दुनिया में जितने भी महान क्रांतिकारी लोग हुए हैं, महान महान पुरुष हुए हैं, या फिर जितने भी आज अमीर लोग दुनिया में बैठे हैं ना, करंट में या पास्ट में, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नॉवल्स पढ़ी है। वो खुद अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि नॉवल्स पढ़ने की वजह से उनकी ज़िंदगी बदली। एलन मस्क ने बुक पढ़ पढ़ कर रॉकेट साइंस सीख ली और आज वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। जेफ बेजोस हर हफ्ते बुक पढ़ते हैं, हर दिन बुक पढ़ते हैं। हर कोई यहाँ पर आज बुक पढ़, मतलब जितने भी कामयाब लोग हैं वो हर कोई बुक पढ़ रहा है। बट पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये बुक पढ़ना सब फालतू चीज़ है, आपको सिर्फ अपने सिलेबस की बुक पढ़ना चाहिए। बट जबकि आपको बता दूं कि सिलेबस की बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं। सिलेबस की बुक में आपको सिर्फ अल्फा गामा थीटा बीटा मिलेगा जो सिर्फ आपके एग्जाम तक सीमित रहेगा, बट आपकी लाइफ में कोई काम नहीं आने वाला। एक लाइन बहुत ही अच्छी थी 3 इडियट्स में कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। एंड इतना सब मैंने आपको बताया, बट फिर भी क्या होता है, कई कई बार बच्चे पूरी कोशिश तो करते हैं बट लास्ट में उनके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, अब्बा नहीं मानेंगे। तो अब्बा को मनाओ ना भाई, या अब्बा को आप समझाओ खुद, या अब्बा को बताओ कि दुनिया में ये सब हो रहा है, तब जाकर आप कुछ अलग कर सकते हो, आपको कुछ बड़ा करना है, आप उनको बिलीव दिलाओ। अब आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कैसे उनको बिलीव दिला सकते हो कि मैं कर लूँगा। तो दो चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, एक मीडिया का, सोशल मीडिया का, सिनेमास का, और पेरेंट्स का जो उन्हें निगेटिव करते हैं या फिर अपनी ज़बरदस्ती उन पर थोपते हैं। एंड एक मैसेज बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड होता है आज के ज़माने में कि पापा सही थे, काश मैंने पापा की बात मान ली होती। एक अच्छी बात भी है ये, बट इससे क्या होता है, जो बच्चा खुद अच्छा करना चाहता है ना, शायद वो बच्चा अगर वो मैसेज नहीं देखा होता तो शायद वो आज एलन मस्क तो नहीं, अडानी बन गया होता, रतन टाटा बन गया होता, मुकेश अंबानी बन गया होता, इतना भी नहीं बोलूँगा आज वो UPSC क्लियर कर लिया होता। हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा करे, ये कुछ इसमें कुछ गलत नहीं है, कामयाब हो इसमें कुछ गलत नहीं, बट उसको कामयाब होने के लिए आपको उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप आज से ही अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करें, अपनी ज़बरदस्ती उन पर ना थोपें कि तुमको यही करना है। बच्चों को मैं नहीं बोला खुला छोड़ दो, बट आप उसको उसकी बातें समझिए, आप खुद से रिसर्च कीजिए कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे कर लोग कामयाब बन सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंजीनियर करने से कामयाब बनते हैं। एंड आपको बता दूं कि इंजीनियर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है इंडिया में, तो भूल जाइए, हर कहीं गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ही कम लोगों को मिल रही है और हर कोई नहीं दे सकता, कोई भी सरकार नहीं दे सकती। देन थर्ड नंबर बात करते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस की। स्कूल एंड कॉलेजेस में क्या होता है, स्कूल एंड कॉलेज में स्टार्ट से क्या सिखाया जाता है कि तुमको मॉनिटर बनना। अब मॉनिटर बनने के लिए तुमको क्या करना है, मॉनिटर बनने के लिए तुमको टीचर के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, टीचर का चमचा बनना पड़ेगा, टीचर की सारी बात मानना पड़ेगा, तब जाकर तुम क्या कर सकते हो, मॉनिटर बन सकते हो। एक बार तुम मॉनिटर बन गए फिर तुम्हारी तो जिंदगी सेट है भाई। मॉनिटर एक ऐसा टैग है कि वो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है। बट यहीं पे स्कूल में क्या होता है कि जो एवरेज बच्चा होता है, जो लो बच्चा होता है, जो अच्छा नहीं पढ़ पाता या थोड़ा मीडियम पढ़ता है, उसको टीचर्स क्या करते हैं, किसी को बुरा लगे तो अच्छी बात है बट ये रियलिटी है कि उसको टीचर्स क्या करते हैं, उसको वो डिमोटिवेट करते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ कर ही नहीं सकता है लाइफ में। तो ऐसा बोल बोल कर, ऐसा उसको डिमोटिवेट करके, उसको नीचे दिखा के टीचर्स क्या करते हैं, इतना ज़्यादा उसे डिप्रेस्ड कर देते हैं ना कि वो बच्चा कुछ कर भी लेता ना तो इतनी बात सुनने के बाद वो और कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज कि उसको इतने ताने दिए गए, या फिर उसे टीचर्स क्या करते हैं, सिखाता नहीं है, वो एक बार पढ़ा देगा, दो बार पढ़ा देगा एंड फिर जब उससे नहीं बनेगा सामने वाले से तो उसको डिमोटिवेट कर देता वो पूरा कि तुझसे कुछ हो ही नहीं सकता है, तू किसी लायक ही नहीं है, ये रियलिटी है। एंड आजकल आपको क्या करना चाहिए स्कूल एंड कॉलेज में, कभी करियर काउंसलिंग के बारे में आपको नहीं बताया जाता, सही बस इतना पूछते हैं स्कूल में कि तुमको क्या बनना है। एंड स्कूल एंड कॉलेज में इससे ज़्यादा कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती है। बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स होंगे, बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस होंगे जिसमें यह सब होता है, पर हर एक कॉलेज स्कूल में यह सब नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं, सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूल लगेगा, 8 से 12 बजे तक स्कूल लगेगा, दैन फिर छुट्टी कर दी जाती है, बीच में जो अच्छा बच्चा होता है उसको चना की झाड़ में चढ़ा दिया जाता है, जो मीडियम बच्चा होता है उसको थोड़ा डिमोटिवेट किया जाता है, जो लो क्लास बच्चा होता है उसको तो पूरे डिमोटिवेट कर देते हैं। एंड फिर इतनी ताने सुनने के बाद, इतनी
गालियाँ कहो या कुछ भी कहो, सुनने के बाद वो बच्चा के अंदर क्या जाता है, इसका तो रोज रोज का हो गया है, अब तो मैं और नहीं पढ़ता, अब तो मैं और करता ही नहीं, या फिर मैं स्कूल ही नहीं जाता। वो लिटरली बहुत सारे लोग स्कूल नहीं आते हैं कि मुझसे मेरा मेरे टेस्ट में कम नंबर आए, या फिर टीचर मुझे ऐसा बोलता है, टीचर मुझे ऐसा बोलता है। तो स्कूल या कॉलेज की सबसे बड़ी गलती है कि आप मीडिया में लो क्लास बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। एंड सिर्फ स्कूल एंड कॉलेज, आधे स्कूल एंड कॉलेज होते हैं जो सिर्फ फीस के पीछे भागते हैं, हो गया। तो ये एक डार्क रियलिटी है इंडियन एजुकेशन की, कि मीडिया क्या कर रही है, सिर्फ अपने ऐसी ही चीज़ें दिखा रही हैं, ऐसे एल्गोरिदम को फॉलो कर रही हैं जो लोग देखना चाहते हैं, जिसकी लोगों को आदत हो गई, वो और कुछ हटके दिखाना ही नहीं चाहती, कोई अच्छी चीज़ दिखानी नहीं चाहती। सिनेमास क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं। सिनेमास को देख देख के लोग स्कूल से बंक मार रहे हैं बच्चे। सिनेमास में दिखाया जाता है कि आज स्कूल नहीं जाना, बंक मार लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। तो सिनेमा बहुत ही गलत इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों के ऊपर, मीडिया बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया में तो इन्हें तो और बर्बाद कर रहा है। देन सेकेंड बताया आपको पेरेंट्स के बारे में, कि ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें थोप देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कुछ ज़्यादा अच्छा सोच नहीं पाता है। देन थर्ड नंबर पर स्कूल एंड कॉलेजेस लोग बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं, पढ़ाते थे वो सिलेबस का है, बट उससे हटकर वो कुछ चीज़ पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। ये एक रियलिटी है जो आप लोगों को समझना चाहिए। एंड इसका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ, कि आप ऐसी मूवीज़ देखिए जो कुछ काम की हों, या कुछ अच्छी उससे आपको सीखने को मिल रहा है। जैसे साउथ की मूवीज़ होती हैं जो आपको कल्चर के बारे में बताती हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आपको कल्चर से रिलेटेड चीज़ बताती हैं। अभी आई थी PS1, जिसमें अशोक सम्राट के बारे में बताया गया था, या फिर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, मगध हीरा, एंड ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आपको कल्चर के बारे में बताती हैं, आपको साइंस के बारे में बताती हैं, या फिर आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताती हैं। कुछ अच्छी चीज़ें बताती हैं 3 Idiots जैसी मूवीज़, कुछ और अच्छी मूवीज़ होंगी, जैसे कि अभी हिचकी मूवी आई थी जिसने पढ़ाने का बिल्कुल ढंग बदल दिया था। तो ऐसी मूवीज़ देखिए, फालतू की मूवीज़ मत देखिए जिसमें सिर्फ आपको नग्नता दिखाई जा रही है, या फिर ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, या फिर यूथ के लिए सही नहीं है। सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको वैलिड चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। विवेक बिंद्रा सर हैं, सोनू शर्मा सर हैं, ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। आपको तो एंजल प्रिया को फॉलो करना है। इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो ही फायदा है। देन थर्ड नंबर पर पेरेंट्स को समझाइए, आप खुद समझिए। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको खुद रिसर्च करना चाहिए कि और कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं मेरे बेटे के लिए या मेरी बेटी के लिए। स्कूल एंड कॉलेज में उनको करियर काउंसलिंग करवानी चाहिए। आप एक टीचर भी रख सकते हैं करियर काउंसलर का, या फिर आप महीने में 2-3 बार करवा सकते हैं करियर काउंसलिंग, या पॉसिबल हो तो हफ्ते में 2-3 बार करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिससे बच्चों को एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छी चीज़ें बच्चे सीखेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तभी वही छपरीबंदी कर रहे हैं बच्चे, बाल लाल करवा कर, मुँह में गुटखा भरा होता है, KTM पे घूमते हैं, जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में छपरी बोलते हैं। हमें ऐसा दिन लाना है इंडिया में कि हम 90% जो आज सिर्फ MBA, BCom, BA के पीछे भाग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, वो इन सब को छोड़कर ऐसी चीज़ों के पीछे भागें जिन पर एक वैलिड करियर है या अच्छी चीज़ है। तो इस बात पर विचार कीजिएगा। देन मिलते हैं अगले वीडियो पर। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।